इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और आप मेरे साथ देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से है, जहां एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। पति पत्नी और उनके 2 बच्चियों समेत पति की मां ने जहर खाया है। 2 महिलाओं से परिवार के पैसों का लेन देन था, जिसके बाद आपको बता दें परिवार ने जहर खा लिया। एक 16 साल की बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है, बाकी सभी की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। पिपलानी थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। परिवार ने खुदकुशी की कोशिश की है। एक बच्ची की हालत ज्यादा खराब बताई जा रही है, उसका लगातार इलाज जारी है। बाकी सभी लोग खतरे के बाहर हैं। परिवार ने खुदकुशी करने का प्रयास किया। 16 साल की लड़की की हालत नाजुक बनी हुई है। परिवार ने की है खुदकुशी की कोशिश और पैसे के लेन देन को लेकर ये पूरी घटना सामने आ रही है। पैसों के लेन देन को लेकर ही जहर खाया गया है और परिवार ने खुदकुशी करने की कोशिश यहां की है। तो परिवार ने खुदकुशी करने की कोशिश की। 16 साल की लड़की की हालत नाजुक बनी हुई है और बाकी सभी लोग खतरे के बाहर बताए जा रहे हैं। परिवार ने जहर खाकर जान देने की कोशिश यहां की प्रयास किया। पैसों के लेन देन को लेकर जहर खाया। परिवार ने खुदकुशी करने का प्रयास यहां किया है और परिवार ने खुदकुशी भी करने की कोशिश की है। तो 16 साल की लड़की ने जहर खाया है परिवार के साथ और उसकी हालत ज्यादा नाजुक है। हालांकि परिवार के बाकी लोगों की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है, वो खतरे के बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन इस 16 साल की बच्ची की हालत नाजुक है। तो परिवार ने पैसे के लेन देन को लेकर ये जहर खाया है, ये पॉइजन खाया है और पैसों के लेन देन को लेकर ही ये पूरी घटना सामने आ रही है। तो एक ही परिवार के कई लोगों ने साथ में जहर खाया, जबकि कुछ लोग तो अभी खतरे के बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी ये बच्ची खतरे के अंदर ही बताई जा रही है। 16 साल की ये बच्ची है जिसकी हालत नाजुक है। पिपलानी थाना क्षेत्र का यह मामला है। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए। कुलभूषण, जिस तरह से ये एक ही परिवार के लोगों ने पैसे के लेन देन को लेकर जहर खाया है, हालांकि बाहर कई सारे लोग इसमें अभी ठीक बताए जा रहे हैं, लेकिन बच्ची की हालत नाजुक है, क्या कुछ जानकारी उसको लेकर आपके पास? बिल्कुल, यहाँ पे एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने जहर खा के आत्महत्या की है और सुसाइड नोट जिस प्रकार से पुलिस को बरामद हुआ है, इस विषय में पूरे अभी जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस का कहना है कि अभी जांच पड़ताल की जा रही है और जो पैसों के लेन देन की बात कही जा रही है, क्योंकि 5 सदस्यों की जो है मौत हो चुकी है, अब इसमें जो है पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन जो पैसों का लेन देन बताया जा रहा है, देखने वाली बात होगी कि किन किन से जो है परिवार के सदस्यों ने पैसे लिया था और लगातार जो है प्रेशर दबाव बनाने के बाद परिवार ने ये कदम उठाया। ज्यादा नाजुक बताई जा रही है, उसकी मौत हुई है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए कुलभूषण हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।